और दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल वी आर स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम ट्विटर सब जगह फॉलो कर लो, ठीक है? और अगर वीडियो को शेयर करने में रुचि रखते हो, पसंद आएगा वैसे तो, और शेयर करने के बाद आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, जिसका नाम है वी आर स्टॉक्स करके। अगर आप ऐसा काम करोगे, ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में बिगिनर होंगे, ठीक है, तो अगर आप ऐसा काम करते हो तो आपको मैं क्या करूंगा, हर संडे मेरी प्राइवेट क्लास होती है और प्राइवेट क्लास के लिंक्स मैं आपको शेयर करूंगा हर संडे। अगर आप शेयर करने के बाद स्क्रीनशॉट मैसेज करते हो तो डेफिनेटली मैं मैसेज करना कि सीखना चाहते हो, ठीक है? तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, टाइटल आपने पढ़ लिया है, आज मैं बात करने वाला हूँ 3,000 रुपये का पेनी स्टॉक पोर्टफोलियो, ठीक है? इसमें इंक्लूड होंगे आपके एक 30 पैसे का स्टॉक है, एक 40 पैसे का स्टॉक है और साथ में कुछ 2 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये के आसपास के पेनी स्टॉक भी है, ठीक है? तो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर ऐड कर दूं, प्लीज खुद की रिसर्च ऐड कर लेना, ये मेरा खुद का एक जनरल व्यू है, ठीक है? और हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलना। अगर आपको लगता है कि कोई आपका फाइनेंशियल सलाहकार नहीं है तो भैया डायरेक्टली रीच आउट करो टेलीग्राम, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर, ठीक है? वही लास्ट ऑप्शन बचता है, सीखो फिर अगर नहीं है कोई तो, ठीक है? और एक चीज ध्यान रखो, अगर आप स्टॉक मार्केट बिगिनर हो, इस बात को ध्यान रखो, काफी अच्छा ये एक इमेज है, इसको देखो एक बार। इंस्टाग्राम चैनल है कोई, ठीक है, सेव टू इन्वेस्ट करके, अगर आप न्यू टू इन्वेस्टिंग हो, देखो इसमें लिखा हुआ, अगर आप न्यू टू इन्वेस्टिंग हो तो इसको समझो, ठीक है? ये बहुत बड़ी और डीप बात बोल के गया है बंदा जिसने भी बनाया है। डेज में दोस्तों होता क्या है कि स्टॉक जो होता है ऐसे जिग जैग में चलता है, लेकिन इयर्स में स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन डेकेड्स में मतलब 10 सालों के अंदर स्टॉक का प्राइस ऐसे बूम होता है। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, फिर आपको ये शायद समझ आए। तो दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया इमेज में, डेज में देखिए दोस्तों, ये स्टॉक जिग जैग में जा रहा है, लेकिन अगर साल में देखोगे तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन लेकिन अगर आप इसको डिकेट्स मतलब मैक्स देखोगे लास्ट 10 सालों में, तो स्टॉक का प्राइस देखो कैसे रॉकेट हो रहा है। ये स्टॉक 96 पैसे के आसपास ट्रेड किया करता था और आज 32 रुपये ट्रेड कर रहा है, समझ गए? तो आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है? जब तक आप पैसा मल्टीप्लाई तभी होगा जब आप टाइम दोगे, अगर आप टाइम नहीं दोगे तो पैसा मल्टीप्लाई नहीं होने वाला, आप स्टॉक से एग्जिट कर जाओगे इमोशन में, ठीक है? आप देख सकते हो जो ट्राइडेंट शेयर था 90 पैसे 76 पैसे से ऑलमोस्ट ऊपर गया, पहले 9 रुपये, उसके बाद नीचे भी गिरा और नीचे गिरने के बाद दोबारा 4 रुपये, उसके बाद फिर स्टॉक 32 रुपये गया, समझ गए? तो आपको ऐसा गेम खेलना है जो लॉन्ग टर्म गेम खेलना है, और लॉन्ग टर्म गेम खेलने के लिए आपको ये ग्राफ को समझना पड़ेगा जो मैंने आपको बतलाया है, ठीक है? आपको यहाँ फोकस करना है डिकेट्स में, मतलब 10 साल, अगले 10 सालों में क्या होने वाला है, ठीक है? आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इसके बारे में सोच सकते हो, इसके बारे में सोच सकती हो, ठीक है? समझ आ गया पॉइंट, अगर आप बिगनर हो। अब बात करते हैं पेनी स्टॉक के बारे में जो मैंने आपको बतलाया है, तो एक बार वो देख लो, पेनी स्टॉक्स बिलो 1 रुपी और बेस्ट पेनी स्टॉक टू बाय नाउ बन सकती है, नहीं बन सकती, आप करना, आप खुद की रिसर्च करना, मेरे हिसाब से बन सकते हैं, ठीक है? देख लो एक बार जो लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ, बेस्ट पेनी स्टॉक लिस्ट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले बड़े स्टॉक से, ठीक है? बेस्ट पेनी स्टॉक बिलो 5 रुपीज से, उसके बाद 10 रुपीज, फिर 1 रुपी, ठीक है? तो दोस्तों ये लॉर्ड स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड है, अगर इसका मैक्स चार्ट देखोगे तो स्टॉक का आपको दिखेगा कि हाँ भाई जान है स्टॉक में, ठीक है? कंपनी के बारे में बता दूं, नाम से पता चल रहा होगा कि एक स्टील सेक्टर का स्टॉक है, प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग लगातार स्टॉक में बढ़ा रहे। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, तो ये स्टॉक हमने भी आपको सजेस्ट किया था 75 पैसे और 90 पैसे के आसपास, और दोबारा मैंने आप इस पे 2 या 4 दिन पहले वीडियो बनाया था, बहुत क्लियर कहा था स्टॉक अपना सपोर्ट बना रहा है 2.5 रुपए के आसपास, ठीक है? ये स्टॉक अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? प्रमोटर्स लगातार अपना स्टेक स्टॉक में बढ़ा रहे हैं, डेफिनेटली एक मल्टीपल का स्टॉक है, राइट? इसको भी आप अपने अपने नजरों में रख सकते हो, मात्र 3 रुपए का स्टॉक है, तो 300 रुपए 600 रुपए भी अगर स्टॉक में लगाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हम 3,000 रुपए के पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं। और आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि भाई आपको कितने लाख का पोर्टफोलियो चाहिए, 1 लाख का, 1 करोड़ का, या फिर 10,000 रुपए का, या 1,000 रुपए का, आप नीचे कॉमेंट पक्का करना, मैं उस हिसाब से आपके लिए पोर्टफोलियो के स्टॉक सिलेक्शन करूंगा उस तरीके से,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्टॉक है नोएडा टॉल ब्रिज, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें तो पता ही नहीं कि ऐसा कोई स्टॉक भी होता है, तो दोस्तों इस स्टॉक के बारे में बता दूं, का जो काम है वो टोल को कलेक्ट करने का है। और जैसे आपको पता, बता दूं कंपनी के बारे में, इसका गवर्नमेंट के साथ बहुत सालों से एक वो चल रहा है, विवाद चल रहा है, इसी वजह से स्टॉक का भाई लगातार नीचे जा रहा था। लेकिन मुझे लगता है 1 साल के अंदर स्टॉक ने अगर 100% का गेन दिया है, तो कुछ ना कुछ जो विवाद था, ठीक है, जो कोर्ट केस था, वो रिजॉल्व होने की कगार में है। मे बी इसके वजह से स्टॉक में इतना बड़ा पंप आपको देखने को मिल रहा हो, तो आप इस स्टॉक को भी नजरों में रख सकते हो। मात्र अगर इसमें आप 400 रुपये लगा दो, इनफ होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है सिंटेक्स इंडस्ट्री, 5 रुपए का स्टॉक है, ठीक है, एनएससी का स्टॉक है। दोस्तों देखिए मैक्स चार्ट, ये ऑलमोस्ट जो है 3 के आसपास 3 रुपए ट्रेड किया करता, 2 रुपए ट्रेड किया करता था, और आज देखो दोबारा 5 रुपए के आसपास आया, तो मतलब ये स्टॉक 2 रुपए से ऑलमोस्ट कहां तक गया, 277 रुपए तक गया है, तो पोटेंशियल है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इसमें भी आप 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये के आसपास लगा सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले स्टॉक है, उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी। तो सो बोल देना चाहता हूँ कंपनी लास्ट 2 सालों में प्रॉफिटेबल बिजनेस में आ चुकी है, इससे पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी, और कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है। साथ में कंपनी ने 1,000 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट भी जीता था, राइट। आप देख सकते हो ईयरली परफॉर्मेंस 132% का गेन दिया है। इसमें भी आप 500 रुपये लगाकर छोड़ सकती हो, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट देख सकते हो, स्टॉक लगातार गिरा है 500 रुपये से, और सपोर्ट बना रहा है, ये बेस बना रहा है 1 रुपये 90 पैसे के आसपास। चाहो तो देखो ये शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हो हाई राइज का पैटर्न बना रहा है। अगर आपको समझ आता है कि हाई राइज का पैटर्न क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहीं, कि हाई राइज का पैटर्न का मतलब क्या होता है कि स्टॉक अपना लो बनाता है, फिर हाई बनाता है, लो बनाता है, फिर हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, फिर हाई बनाता है, उसको बोलते हैं हाई राइज का पैटर्न। मतलब हाई लगातार नए हाई बनाता है, और जो लोज होते हैं वो कभी ब्रेक नहीं होते, ठीक है। L2, ये L3, अब ये H3 बनाएगा ऊपर, मतलब जो लास्ट स्विंग है इसको तोड़ेगा, जो निकल के आता है कितना, 9 रुपए 20 पैसे। तो ये स्टॉक आराम से 11 रुपए तक के टारगेट आपको बहुत जल्द दिखा देगा, तो डेफिनेटली आप सुजलॉन को भी नजरों में रख सकते हो, राइट। बढ़ते हैं हमारे अगले स्टॉक की तरफ, जो है लास्ट स्टॉक, जो 2 पैनी स्टॉक है, जो ऑलमोस्ट 30 पैसे 40 पैसे के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अब दिक्कत क्या है दोस्तों, दिक्कत ये है कि क्या ये स्टॉक्स आपको मिल पाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी के प्रॉफिट है, मैंने लिखा है थंबनेल में कि कंपनी के प्रॉफिट कितने हैं, आपने देखा ही होगा 32 करोड़ का करंट टीटीएम में प्रॉफिट दिया है स्टॉक ने, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको शायद ऐसे समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम CES Limited है, आपके सामने मैंने इसके बारे में, कंपनी के बारे में बोला हुआ है, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ कंपनी की पूरी फुल स्टोरी, 30 पैसे का स्टॉक है, एंड दोस्तों देखिए स्टॉक अपने बुक से कितने सस्ते में आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 30 पैसे का मात्र स्टॉक है, और अपनी बुक से कितने सस्ते में आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। स्टॉक की जो बुक वैल्यू है 34 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल जाती है, प्लेज होल्डिंग 1 रुपए की नहीं है, और 30% के आसपास का ROC हमें देखने को मिलता है, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पर सेल्स लिमिटेड इज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, IT बिजनेसेस कंपनी है, ठीक है, साथ में प्रोसेस मैनेजमेंट BPM कंपनी इसको बोल सकती है, राइट। तो इन शॉर्ट इसका जो कैटेगरी आएगा IT सॉफ्टवेयर में आएगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकती हो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, अपनी बुक से काफी सस्ते में ट्रेड कर रही है, और साथ में कंपनी लगातार आपको प्रॉफिट दे रही है और डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है, ठीक है। 33 पैसे का स्टॉक है, 30 पैसे का स्टॉक मात्र, और कंपनी का प्रॉफिट देखो आप खुद चौंक जाओगे दोस्तों, जब मैंने देखे तो मैं खुद चौंक गया, 82 करोड़ की सेल्स है जून में, ठीक है, प्रॉफिट देखो 7 करोड़ का प्रॉफिट है जून में, और 10 करोड़ का उससे पहले था, और प्रॉफिट एंड लॉस देखो लास्ट 6 सालों में, सेल्स देखो लगातार बढ़ रही है, प्रॉफिट देखो आपके सामने है, 25 करोड़ का करंट टीटीएम में प्रॉफिट हुआ, 26 करोड़ का लास्ट ईयर प्रॉफिट था, और स्टॉक का प्राइस कितना है आपके सामने है, देखो ये रहा करंट टीटीएम 30 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा, मात्र 30 पैसे, कैन यू बिलीव इट दोस्तों। दोस्तों इसे बोला जाता है कि पैनी स्टॉक में पोटेंशियल है, लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या है ना, दिक्कत अभी आपको दिखाता हूँ, स्टॉक में ट्रेडिंग बहुत कम होती है, दिक्कत यही है बस, स्टॉक में ट्रेडिंग बहुत कम होती है, दिक्कत यही है, फिर भी एक बार आप देख लो, ठीक है, सीखने को मिलेगा। रिजर्व देखो अच्छे खासे रिजर्व है, डेट 0 का है, नीचे लेके चलता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो 74% के आसपास प्रमोटर्स का पैसा है, और 25% के आसपास पब्लिक का पैसा है। अब दोस्तों इसमें जो ट्रेडिंग है बहुत कम होती है, मैं आपको दिखा दूं, मैंने यहाँ खोला भी आपके लिए, सेल्स देखो देख सकते हो, जो इसमें लास्ट ट्रेडिंग हुई थी 14 सेप्टेम्बर के आसपास हुई थी, इसका मतलब कि स्टॉक में एक एक महीने में एक बार ट्रेडिंग होती है बस, ठीक है। तो दोस्तों ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि पैनी स्टॉक का पैसा बनाया जा सकता है, पर दिक्कत कहाँ है, किस पैनी स्टॉक को बाय करना है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है,
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली मेरे जो वीडियोस है चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पेन स्टॉक शेयर कर रखे हैं जो बिलो 1 रुपी ट्रेड कर रहे हैं, आप उनको देखो। ठीक है, मैं आपको एक स्टॉक दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर में दिखा देता हूँ, ये स्टॉक वो नहीं है, आपको दिखाता हूँ, ये आप केशियर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 40 पैसे का स्टॉक है, इसको भी आप नजरों में रख सकते हो। इस स्टॉक में भी जो ट्रेडिंग है बता देना चाहता हूँ, महीने में एक बार होती है, देख सकते हो, ये 23 सितंबर में लास्ट ट्रेडिंग में हुई थी, मतलब हफ्ते में एक बार स्टॉक में ट्रेडिंग होती है। ठीक है, और आपको हॉट स्टॉक चाहिए, मैं आपको एक दो हॉट स्टॉक के नाम बताता हूँ, जैसे सेल प्रो, ये भी स्टॉक काफी अच्छा है। ठीक है, अभी सस्ते दामों में मिल रहा है, लेकिन कल आपको सस्ते दामों में नहीं मिलेगा, मात्र 49 पैसे का स्टॉक है, अपने बुक से काफी सस्ते में ट्रेड कर रहा है, शालीमार प्रोडक्शन, इसको आप अपने नजरों में रख सकते हो। डेफिनेटली एक मल्टी एवर स्टॉक ये भी बन सकता है, पोर्टफोलियो में एंट्री करने लायक स्टॉक है, 400-500 रुपए लगाकर भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। एक और स्टॉक आपको दिखाता हूँ, लोहार का करके एक स्टॉक है, एक सेकेंड, एक स्टॉक ये रहा आपका लोहार का मीडिया एंड इंफ्रा करके स्टॉक है, इसको भी आप अपने नजरों में रख सकते हो, चाहो तो रख सकती हो। ठीक है, ये स्टॉक भी दोस्तों काफी सस्ते दामों में भी आपको मिला, लेकिन कल इस रेट में शायद आपको उपलब्ध ना हो पाए, 95 पैसे और 90 पैसे के आसपास आपको ट्रेड करते दिख जाएगा, अब अपनी बुक से काफी सस्ते में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, कंपनी के देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको एक बार दिखा देता हूँ, 51% के आसपास प्रमोटर्स का पैसा स्टॉक में लगा है और पब्लिक का पैसा 48% के आसपास लगा है। ठीक है, तो इस स्टॉक को भी आप नजरों में रख सकते हो। दोस्तों ये कुछ स्टॉक्स थे, ठीक है, कुछ स्टॉक्स में 30 पैसे के है, कुछ स्टॉक्स में 95 पैसे के है, और कुछ स्टॉक आपके 5 रुपए के भी है, कुछ स्टॉक 3 रुपए के भी है। तो मैंने आपको पूरा का पूरा 3,000 रुपए की पोर्टफोलियो में 8 रुपए से लेके, नहीं 7 रुपए से लेके 30 पैसे तक के सभी स्टॉक बता दिए। राइट, तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए नीचे कमेंट कर दो, डेफिनेटली मैं इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी बना दूंगा। दोस्तों डेफिनेटली वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से, अगर तो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना। ठीक है, अगर लास्ट तक देख रहे हो तो एक बोनस टिप दे दूं ब्रो, जो भी आप मंथली के कमाते हो ना उसका 2 से 5% हिस्सा इन्वेस्ट करो पेन स्टॉक में, 2% ही करो लेकिन करो। अगर आप 10,000 रुपये महीना कमाती हो तो 10,000 का 2% होता है 200 रुपये, उसको 500 रुपये लेके जाओ, 500 रुपये किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करके छोड़ दो, जो अपनी बुक वैल्यू से काफी ऊपर सस्ते में ट्रेड कर रहा हो। मतलब देखो जैसे इसका प्राइस है 95 पैसे और ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से काफी सस्ते में ट्रेड कर रहा है, ऐसे पेनी स्टॉक्स में आप पैसे लगा दो, 500 रुपये भूल जाओ। ये प्रो टिप दे रहा हूँ लास्ट के लिए जिन्होंने अभी तक वीडियो देखा है, तब तक अब मिलता हूँ अगले वीडियो तक, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, है चलो बाय।